नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जो हिंसक हुई है, सीए के लेकर मौजपुर और जफराबाद इलाके में हिंसा हुई है, इसके बारे में आपको पता है। और एक हेड कांस्टेबल और 18 नागरिक की मौत हो गई है, प्रदर्शनकारी कई प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध में सोमवार के उत्तरी पूर्वी के मौजपुर और जफराबाद इलाके में हिंसक रूप ले लिया और सोमवार को सीए के विरोध में समर्थन कर रहे हैं आपस में भिड़ गए। इस दौरान सिर में चोट लगने से दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो गई है, जबकि शाहदरा पुलिस के उपायुक्त अमित शर्मा सहित कई पुलिसकर्मी झड़प के दौरान घायल भी हो गए। इस झड़प में दो लोगों की मौत हो गई है, कई प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जफराबाद मौजपुर इलाके में कई घरों में वाहन में आग लगा दी गई है। चंदाबाग और आपस के इलाके में हिंसा हुई है। फिलहाल जफराबाद और मौजपुर, चांदपुर और भजनपुरा, करावल नगर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कैसे कैसे भड़की हिंसा? सीए के विरोध में समर्थन करने वाले दो समूह बीच में सोमवार को झड़प हुई। झड़प में मौजपुर इलाके में सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ था, जहां दोनों के एक दूसरे से पथराव करने के इसके बाद हिंसा लगी। मौजपुर और जफराबाद को जोड़ने वाली सड़क पर आपस में दो लोग गुट पहुंच गए। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से ईटा पत्थर चलने लगी। पुलिस के आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इसके बाद जफराबाद और मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन आज मेट्रो सुचारू रूप से चल रही है। बता दें कि रविवार को जफराबाद के दो समूहों के बीच में पथराव होने पर एक दिन बाद सब कुछ मौजपुर दोनों के समूहों के लोग ने एक दूसरे के पथराव किया। इसके दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और वहीं सुरक्षा कारणों से मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के बंद कर दिया गया था, लेकिन आज मेट्रो चल रही है। सोमवार सुबह से मेट्रो जानकारी ट्वीट करके दिया कि जफराबाद और जयपुर मेट्रो स्टेशन को एंट्री और एग्जिट पोल को बंद रखने के फैसला लिया गया था। कौन से क्षेत्र में प्रभावित हुए थे? हिंसा में दिल्ली उत्तर पूर्वी के हिंसा शाहदरा इलाके तक सीमित है। विरोध प्रदर्शन में सोमवार के सुबह 10 बजे के आपस में मौजपुर में शुरू होने वाली खबर मिली है और शाम 5 बजे तक हिंसा के आगामी वजह से आसपास के इलाके में जफराबाद, भजनपुरा और करावल नगर में आगामी खबर मिली थी कि यहां पर हिंसा हो रही है। ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट के मुताबिक भजनपुरा और के पेट्रोल पंप में आग के हवाले कर दिया गया था। मौजपुर और जफराबाद में कई दुकानों और घरों में आग लगा दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंसा में गोलीबारी और पथराव भी दोनों तरफ से चल रहे थे। मौजपुर में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ पथराव पूरे दिन भर रुक रुक कर जारी पड़ा और डीजीपी रैंक के अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी भी पथराव में घायल हो गए हैं, जबकि एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, सिर में पत्थर लगने से हुई है। झड़प में घटना पर केवल मौजपुर में बल्कि करावल में, जाफर में, भजनपुरा, करीबनगर और करनाल में कई आपस के बताए जा रहे हैं कि जहां पर हिंसा हुई है। करीब 1 बजे दोपहर में जफराबाद और को जोड़ने वाली सड़क पर हुई झड़प के दौरान लाल टी शर्ट पहनकर एक शख्स ने एक देसी पिस्तौल लेकर जब वह पुलिसकर्मी उससे फायरिंग करने से रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस की तरफ से ढकेला और 8 राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कई घायल भी हो गए और पुलिस के चकमा देते हुए वो निकल भी गया। सबसे बड़ी बात है, निकल भी गया। धारा 144 की भी लगा दिया गया था, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। इसके बाद 5 या अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। वहीं इलाके में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए दिल्ली पुलिस जवान और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन ने दो पक्षों में हिंसा को दूर करने के लिए शांति बनाए रखने की अपील की है और दिल्ली पुलिस ने शांति के लिए अपील बनाई है और लोगों से अफवाहों पर भरोसा ना करने की भी अपील की है। तो दिल्ली में पुलिस ने क्या कहा लोगों से? दिल्ली पुलिस ने मौजपुर और जाफराबाद के आसपास में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उत्तरी पूर्वी जिले के इलाके में, खासतौर पर मौजपुर और करण दारपुरी व चंदाबाग और दयालपुर में हिंसा के आगामी कुछ घटनाएं दिल्ली पुलिस के बयान में भी कहा। दिल्ली पुलिस के विशेष रूप से वो उत्तर पूर्वी जिले में लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। और मीडिया से पुलिस ने भी अपील की है कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया से भी अपील की है कि कई भी परेशान करने वाली तस्वीरें प्रसारित ना करें, यानी शेयर ना करें। स्थिति में बेकाबू, पुलिस ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिले में प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू करने के बाद और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस के फ्लैग मार्च, दिल्ली ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ शांति की अपील भी की है और साथ ही दिल्ली पुलिस के मौजपुर और जफराबाद सड़कों पर फ्लैग मार्च किया।
और एलजी सीएम ने भी शांति बनाने की अपील की है। और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ट्वीट करते हुए लोगों से हिंसा से दूर रहने के भी क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। और अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बंसल और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी राष्ट्रीय राजधानी कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए भी अपील की है कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ट्रंप के दौरे के दौरान दिल्ली में हिंसा के ऐसे वक्त हुई जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए थे, अहमदाबाद में उतरे और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 लाख से अधिक लोगों ने एक सभा को संबोधित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि कितना चमक दमक था, अहमदाबाद राष्ट्रपति ट्रंप आगरा ताजमहल देखने गए, रवाना हुए। और वहीं मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली राजधानी में हाउस हॉल में वार्ता भी कई कई प्रपोजल पर बात भी हुई। रविवार को हुई हिंसा में 4 मामले सामने आए थे। सोमवार के सुबह समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि दिल्ली पुलिस के पूर्वोत्तर दिल्ली में जाफराबाद और आसपास के इलाके में समर्थन सीए के विरोध में समूह में बीच में हिंसा हुई और 4 मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में वेलकम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है जबकि दूसरी जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं दयालपुर पुलिस स्टेशन में 2 अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई है जैसा कि खबर आ रही है। तो आज के न्यूज में ही यह वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीडी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।